क्वेश्चन नंबर फोर तक सबको क्लियर है? क्या क्या डिस्कस किया था? अगर आपकी रेशियो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, तो आपकी जो लाइंस है वो किस टाइप की बनेंगी? इंटरसेक्टिंग। और सॉल्यूशंस कितने आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन आता है तो हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल आ गया तब हम क्या करेंगे? C1 अपॉन C2 को चेक करेंगे। और अगर C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं आ रहा है, क्लियर, तब क्या हो जाएगी आपकी लाइंस? पैरेलल। थर्ड कंडीशन कि C1 अपॉन C2 भी आपस में क्या हो जाए? इक्वल। क्लियर, इक्वल हो जाए तब इस कंडीशन में क्या होगा आपकी लाइंस? कोइंसिडेंट। और सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और इसमें सॉल्यूशंस? नो सॉल्यूशंस। और इसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है बेटा? बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी हम बता सकते हैं कितने सॉल्यूशंस होंगे, किस टाइप की लाइन होगी और कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या गिवन है एक्सरसाइज 3.1 में? कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। हमें यहां पे क्या दिया है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का हाफ इज 36 मीटर। देखो लास्ट में दिया हुआ है, यानी पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है। और क्या दिया उस बारे में? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। और क्या निकालना है हमें? फाइंड द डाइमेंशंस। डाइमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेथ। तो वही चीज हम लेट करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, क्या लेट कर लिया हमने? एक्स मीटर। एंड एज ही लेट द विड्थ या ब्रेथ ऑफ गार्डन, वाई मीटर। ठीक है, अब पहली कंडीशन की जो लेंथ है वो क्या है? विड्थ से 4 ज्यादा है, तो क्या इक्वेशन बननी चाहिए? लेंथ एक्स क्या है? 4 ज्यादा है किससे? विड्थ ऑफ द गार्डन से, यानी कि वाई प्लस 4। इसका मतलब अपनी लैंग्वेज मैथ्स में क्लियर कर लो, इसका मतलब इक्वल्स टू है। क्लियर, तो पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई। और क्या बोला? हाफ द पेरीमीटर, और लास्ट में उसके वैल्यू लिखी है दैट इज 36 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l + b। अब l क्या है यहां पे? x। और ब्रेथ क्या है? y। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा? 2x + y। और इसका क्या बोला है? हाफ कितना है? 36। हाफ के लिए डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने और इक्वल्स टू 36। क्लियर, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इक्वेशन क्या बन गई आपकी? x + y = 36। क्लियर, अब ऐसे तो ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन में हमें बोला नहीं है कि किस वे में सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो और इवन ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा? अब x की वैल्यू देखो, फर्स्ट इक्वेशन में हमें पता थी y प्लस 4 है, तो ये हमने सेकंड वाले में पुट कर दी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, तो क्या हो जाएगा? y + 4 + y = 36। y + y कितना होता है? 2y। और 4 हम क्या करेंगे? उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 36 माइनस 4 कितना हो गया? तो 2y = 32। सो y = 32/2, यानी कि 16। स्टेप्स कोई भी स्किप मत करना, डायरेक्ट पूरे करने हैं आपको स्टेप्स, ठीक है? तो y कितना आ गया? 16। अब x निकालना है तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। सो x = क्या था? y + 4। So y हमने 16 पुट किया, तो 16 + 4 कितना आ गया? 20। सो लेंथ ऑफ गार्डन हमारे पास कितनी आ जाएगी? 20 मीटर, ठीक है। लास्ट में प्रॉपरली वर्डिंग्स में बेटा, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन या विड्थ ऑफ गार्डन इज 16 मीटर। क्लियर, जो y की वैल्यू थी वो विड्थ थी हमारी, तो लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास दोनों आ गई हैं।
क्लियर। चाहे तो हम ग्राफिकली भी इसे सॉल्व कर सकते थे ग्राफ पे प्लॉट करके, ठीक है। वैल्यूज इवन बड़ी बड़ी थी तो हम चाहे स्केल चेंज कर सकते थे, वन की जगह हम फाइव फाइव का गैप भी लेके बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ग्राफ पे बड़ी वैल्यूज लोकेट करनी है तो हम स्केल अपना चेंज कर लेंगे, फाइव का कर सकते हैं, टेन का कर सकते हैं, ठीक है। अगर और बड़ी हंड्रेड पे वैल्यूज है तो हंड्रेड का स्केल भी कर सकते हैं, हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड ऐसे, ठीक है। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो क्या गिवन है हमें। एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इसके साथ, जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए या पैरेलल लाइंस दूसरे में और तीसरे में कोइंसिडेंट लाइन। तो फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। अब A1 B1 तो हमारे यहां फिक्स्ड है बेटा, अब हमें A2 B2 ऐसे सोचने हैं दूसरी इक्वेशन में कि रेशियोज जो है आपकी इन दोनों की वो इक्वल नहीं हो। क्लियर आई बात समझ में? अगर हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन इसके साथ लिखनी है जो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए तो वो इस रेशियो को फॉलो करनी चाहिए कि रेशियोज आपके इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। सपोज हमने यहां पर 4x बना दिया। अभी अब ध्यान से देखो, पहला हमने टर्म चूज कर लिया, ठीक है, A1 अपॉन A2 की रेशियो क्या बन रही है 1/2। अब आपको B2 ऐसा चूज करना है जिसमें 1/2 रेशियो नहीं बने। क्लियर? तो माइनस ले लिया हमने सपोज, ठीक है, और C भी हमने कुछ भी लिख दिया, C का तो हमारा कोई इफेक्ट ही नहीं, कैसे बन गई माइनस हो गया, साइन ही चेंज कर दिया, अब चाहे नंबर आप कुछ भी लिखो। क्लियर आया समझ में? साइन से भी इफेक्ट पड़ जाता है। अगर यहां प्लस होता, प्लस सिक्स नहीं हो सकता था, बाकी कुछ भी आप नंबर आप लिख सकते हो। क्लियर? नाउ सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है आपकी, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। क्लियर? पहली दो रेशियो इक्वल होनी चाहिए, तीसरी अनइक्वल होनी चाहिए। तो हमने यही चीज बना दी 4x, डबल कर दिया सपोज इस इक्वेशन का, तो प्लस 6y। अब यहां पे रेशियो 1/2 1/2 बन रही है, बट C1 C2 में हमने कुछ और लिख दिया, 8 लिख दिया, 8 भी लिख देंगे तो भी, बस सिंपली क्या नहीं आना चाहिए इसका डबल, 16 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आप नंबर रख सकते हो। क्लियर? और ऐसी अभी हम जैसे 2 times बना रहे, इवन 3 times भी आप कर सकते थे, रेशियो 1/3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, रेशियो इक्वल भी हो सकती है 1/1, ठीक है, बस ये दोनों की आपस में रेशियो इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट में क्या बोला है हमें, कोइंसिडेंट लाइंस। तो उसके लिए हमारे पास रेशियो क्या है कि तीनों रेशियो इक्वल होनी चाहिए। तो अब आपको यहां पे तीनों रेशियो इक्वल करने के लिए यही कंडीशन अगर हमने फॉलो करी कि डबल ही कर लेते हैं, तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। और कोई ऐसी इक्वेशन आप बता सकते हो जो इसके साथ कोइंसिडेंट बनाए, 6x प्लस 9y माइनस 24, यानी यहां पे अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 1/3 की रेशियो बन गई। आया समझ में? यानी जरूरी नहीं है कि जो मैंने इक्वेशन लिखी है वही आप लोग लिखोगे, आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। क्लियर हुआ? बस हमें रेशियोज के कंडीशंस अपने ध्यान से देख रहे हैं कि क्या फॉलो होने चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन सिक्स। नाउ क्वेश्चन सेवेंथ में आपको क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका हमें पहले ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ सबको क्लियर है, ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए, 2, और पहले किसी ना किसी वेरिएबल के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना बेटा। तो इसमें x के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, x इक्वल टू बना रहे हैं, तो क्या बनेगा, y माइनस 1, माइनस y उधर गया तो प्लस y हो गया, 1 उधर गया तो माइनस 1 हो गया। क्लियर है सबको ये चीज? अब दो सॉल्यूशन हमें निकालने मिनिमम, सो y हमने 0 ही रख दिया, तो अगर y 0 रख देंगे तो x क्या आ जाएगा, सॉरी y 0 रखा हमने, y 0 रखा तो x क्या आ जाएगा, माइनस 1, y 1 रख दिया तो x क्या आ जाएगा, 0। क्लियर? ध्यान से बेटा, क्लियर है सॉल्यूशंस?
इसी तरह इसमें अब किस वेरिएबल के लिए सॉल्व करें पहले सोचो, एक्स या वाई के लिए। वाई के लिए देखो कैसे सोचेंगे, जिसका कोफिशियंट एक तो छोटा हो और जिससे सॉल्व करना या डिवाइड करना आसान हो। अब टू से डिवाइड करना आसान है या थ्री से डिवाइड करना, टू से, तो इसलिए इस वाले वेरिएबल के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। आया समझ में? सॉल्व किसी से भी कर सकते हैं, बस इजियर किससे होगा वो सोचना है आपको। क्लियर? तो वाई के लिए क्या बनेगा, टू वाई इधर रखा, इन दोनों को उधर भेज रहे हैं, तो माइनस ट्वेल्व को पहले भेजा तो क्या हो जाएगा उधर जाके, प्लस ट्वेल्व। थ्री एक्स को उधर भेजा तो, ठीक है, इस स्टेप पे ध्यान रखना, कई बच्चे साइन की मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान से शिफ्टिंग। नाउ अब वाई टू को शिफ्ट किया तो क्या होगा, होल अपॉन, इसमें भी कई बार बच्चे 12 और 2 को कट कर देते हैं, जो कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक ये ऊपर माइनस नहीं होगा तब तक ये डिवाइड नहीं हो सकता है। क्लियर? नाउ अब इसके सॉल्यूशंस, बेटा दो सॉल्यूशन, अब किसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, एक्स की या वाई की? एक्स की। पहली वैल्यू सपोज हमने जीरो ही पुट कर दी, तो जीरो पुट की तो वाई की वैल्यू क्या निकल आएगी, 12/2 यानी कि 6। ये जीरो ही हो गया पूरा। अब क्या पुट की, टू पुट की, वन नहीं पुट की, क्यों? क्योंकि ऑड बन जाएगा उससे ये, और फिर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा टू से, ठीक है। डेसिमल में हम प्लॉट कर सकते हैं बट हम अवॉइड कर रहे हैं उस चीज को। क्लियर हुआ? तो टू पुट कर दिया या फोर ही पुट कर दिया, देखो अगर फोर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 12-12 जीरो, 0/2 जीरो। क्लियर? ये आपकी चॉइस है टोटली कि आप क्या वैल्यूज पुट कर रहे हो, ठीक है। तो कैसे इजियर बन सकता है, पॉइंट्स इजीली प्लॉट कर सकते हो, वो वैल्यूज आपको निकालनी है। क्लियर? अब हमें क्या बोला था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, तो पहले तो ग्राफ बनाना है। सो ग्राफ के लिए ये जीरो हो गया आपका, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 तक कर दिया हमने, ऊपर भी ऐसे ही, ठीक है, बन जाएगा आपका ग्राफ। इधर -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 -4 तक कर दिया। क्लियर? नाउ अब पहले इस इक्वेशन के लिए कर रहे हैं, -1, 0 यानी x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0। क्लियर है ना, ओरिजिन से हमें चलना है, -1 इधर चले, y में नहीं जाना है, तो यही पॉइंट हो गया -1, 0। दूसरा पॉइंट, x 0 है, y 1 है, तो x 0 y 1 यहां पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। क्लियर हुआ? पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट भी लिख दिए और इक्वेशन भी हमें उस लाइन के ऊपर लिख देनी है, चाहे कहीं पर भी x-y+1=0, ठीक है। नाउ उसके बाद y, अब ये वाला पॉइंट हम कर रहे हैं, x 0 है, y 6 है, x 0 यहीं पर है, y 6 यहां पे आ गया आपका। क्लियर यहां तक बेटा? क्या क्या पॉइंट्स थे, x y, x 0 रखा तो y 6 और 0 4, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट x 4 है तो y 0, ये वाला पॉइंट, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, ऐसे लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है। यहां पे पॉइंट्स दे दिए 0, ये पॉइंट क्या हो गया 0, 6 और ये वाला पॉइंट 4, 0। क्लियर? अब आपको क्या करना था, लाइंस को हम आगे आगे तक बढ़ा देंगे बेटा, जितना भी आपका ग्राफ वहां तक बना हुआ है। क्लियर? और इक्वेशन ऑफ लाइन भी इसके ऊपर लिख दी, 3x+2y-12=0। नाउ अब हमें क्वेश्चन में आगे पढ़ो क्या बोला है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। अब ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस लाइन से, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से, जो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब एक्स एक्सिस ये, ठीक है, और ये दो लाइंस। क्लियर? तो जो ये ट्राइंगल बन रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। क्लियर हुआ? एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसके वर्टिसेस, एक वर्टेक्स हो गया ये, जहां पे भी इंटरसेक्ट होंगे वो हो गया एक वर्टेक्स, दूसरा यही हो गया -1, 0 और तीसरा 4, 0। क्लियर हुआ? ए पॉइंट क्या है, किसी ने बनाया हुआ ये ग्राफ तो बताओ, 2/2, 3। बी हो गया -1, 0 और सी हो गया 4, 0। क्लियर? तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके वर्टिसेस के। और उसके बाद हमें क्या करना है, शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अब इसमें एक क्वेश्चन आगे और जोड़ा जा सकता है,
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर एरिया आपको निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप सबको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस यहां पर क्या होगा आपका, यहां से लेके यहां तक, तो माइनस वन से लेके फोर तक, तो बेस कितना हुआ, टोटल फाइव यूनिट्स, क्लियर। और हाइट यहां से लेके यहां तक की कितना वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ है, वो दैट इज थ्री, जहां पे आपका वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, क्लियर। तो इसको सॉल्व किया तो 15/2 आ गया, 5 3 15 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। डेसिमल में दिखाना है, डेसिमल में बोल सकते हो आप 7.5। आया समझ में। इसी तरह इस क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता था, ये वाई एक्सिस भी बोल सकते थे हमें, तो वाई एक्सिस के टाइम पे हमें ये लाइन और वाई एक्सिस, ये वाला ट्राइंगल आपका फॉर्म होता। आया समझ में। तो क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन आपको ध्यान से रीड करना है और उसके बाद सॉल्व करना है, क्लियर।